हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे द टैंकर विथ इंडियन क्रू हिट बाय अ ड्रोन इन रेड सी। ठीक है, कल परसों देखा था अपन ने संडे के पेपर में कि इंडियन कोस्ट थी तो उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास एक शिप आ रहा था तो उसको हिट किया गया था। अभी जो रेड सी है उसके पास उसके शिप को हिट किया गया। ठीक है, दो शिप से उसको हिट किया गया, तो ये न्यूज़ यहाँ पे है। और जो इंडियन कोस्ट गार्ड के पास जो शिप आई थी चेम प्लूटो, तो उसका पता चल चुका है कि उसको ईरान ने हिट किया था। वो जो ड्रोन आया था वो ईरान से आया था, ये यहाँ पे बोला गया। ठीक है, तो इस न्यूज़ में इतना ही है। रेड सी के अंदर इंस्टेबिलिटी है क्योंकि रेड सी को लगने वाला जो यमन कंट्री है वहाँ के जो हाउदी रिबल्स है उन्होंने क्लियर बोला है कि हम ट्रेड होने नहीं देंगे रेड सी की तरफ से। ठीक है, तो उसकी वजह से वो ड्रोन अटैक कर रहे हैं। और जो क्रू था उसके अंदर पूरे इंडियंस थे और एक वियतनामीज था, तो दोनों को भी इंजरी नहीं हुई है। ठीक है, तो बस इतना एग्जाम के लिए काम में। जो JN1 जो कोविड का नया वायरस है, वेरिएंट है सॉरी, तो उसकी वजह से लोगों में अभी ये बोला गया है कि फोर्थ डोज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उसके ऊपर ये बोला गया कि कोई ज़रूरत नहीं फोर्थ डोज लेने की, क्योंकि वो जो नया वेरिएंट आया है उसकी इफिशियंसी अभी पता नहीं है कि वो पेंडेमिक कॉज कर सकता है नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके कोई इतने एविडेंस नहीं मिले, इसकी वजह से कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। और WHO ने इसका आगे भी एक न्यूज़ आएगा वहाँ पे देखेंगे, तो WHO ने ये बोला है कि इसके ऊपर आपको अभी फोर्थ डोज लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया। जो ऊपर वाला आर्टिकल था ना, तो उसमें दो चीज़ें याद रखिए। उसी रीजन में रेड सी के अंदर इंस्टेबिलिटी की वजह से यूएसए ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, उसका नाम था ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। ठीक है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के अंदर 10 कंट्रीज है और उसके अंदर यूएसए है, नेदरलैंड है, कैनेडा है, तो ठीक है ऐसे अलग अलग कंट्री वहाँ पे आके बोला गया है कि हम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए। और यूएस का वहाँ पे पहले यूएस का वहाँ पे पहले भी एक टास्क फोर्स था, उसका नाम है टास्क फोर्स 153, तो ये पहले से ही था वहाँ पे तैनात, और उसके एडिशन में अभी ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन OPG, इंपॉर्टेंट है याद रखिए। ठीक है, तो यही न्यूज़ था। उसके बाद महाराष्ट्र से एक न्यूज़ निकल के आ रही है। महाराष्ट्र में जो फार्मर्स होते हैं वो जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं फार्म के अंदर, तो जो जो वो स्प्रे करते हैं तो कुछ एरोसोल्स वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में रह जाते हैं और वो पार्टिकल्स उनके स्किन पे बैठते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। फिर वो उनके स्किन्स के उस उनके अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, तो उसके वजह से उनको इन्फेक्शन होता है, डेथ भी हो सकती है उनकी, तो ये यहाँ पे बोला गया। तो कौन सा पेस्टिसाइड है? मोनोक्रोटोफोस। ठीक है, एक्सटेंसिवली यूज इन महाराष्ट्र, लेकिन ये इलीगली बैंड है। ठीक है, इट इज नॉट लाइसेंस फॉर यूज ऑन फूड क्रॉप बट फार्मर यूज इट ऑन अननोइंगली। ठीक है, तो इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी एक कानून भी लाएगी और उन्होंने ये भी बोला है कि इसको हम इलीगली बैन वगैरह करेंगे। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की न्यूज़ है, लेकिन सिर्फ ऑफिस पेस्टिसाइड का नाम याद रखिए, मोनो क्रोटोफोस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 2017 में रिपोर्ट आई थी कि महाराष्ट्र के वहाँ पे बहुत डेथ हुई है इसकी वजह से, ये यहाँ पे बोला गया पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। और महाराष्ट्र के कहाँ कहाँ पे हुआ है, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ठीक है, तो ये रीजनल डाटा है, बस इतना याद रखिए कि ये बैन है तभी भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ये ग्रुप है, इससे रिगार्डिंग डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये इंटरनेशनल रिलेशंस में हो जाता है। तो इसकी स्टार्टिंग से देखेंगे 2011 में। ठीक है, 2011 में इसको बनाया गया था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है, तो जो इंडिया है, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव, इन तीनों ने मिलके इस ग्रुप को बनाया गया था। किस लिए बनाया था? सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल इंडियन ओशन को करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, और फिर 2011 में इसको बनाया गया, 2014 के बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया क्योंकि मालदीव की गवर्नमेंट वहां पे चेंज हो गई। उसके बाद 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने फिर से इसको रिवाइव करने की कोशिश की और ये बोला गया है कि इसको आप एक्सपांड भी कीजिए। ठीक है, तो एक्सपांड करके इसके अंदर और एक मेंबर ऐड कर दिया गया जिसका नाम था मॉरिशियस। ठीक है, तो ये चार बंद मतलब चार कंट्रीज का ग्रुपिंग हो गया। ठीक है,
और दो ऑब्जर्वर स्टेट्स भी वहां पे रिकॉग्नाइज किए गए, सेचिल्स एंड बांग्लादेश। तो 2020 में ये सब कुछ हुआ, तो अब इसको रिवाइव करने की कोशिश चालू है, जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको बनाया क्यों गया था और इसकी नीड क्या थी वो पहले देखेंगे अपन। जो इंडियन ओशन रीजन है उसका नाम में इंडिया है, तो इंडिया का दबदबा तो रहेगा ही, ठीक है। इंडिया इस रीजन में सबसे बड़ी नेवल पावर है, चाइना भी है लेकिन इंडियन ओशन में इंडिया है नेवल पावर। वी आर इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंडियन ओशन, तो जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो इंडिया के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इंडिया का पहले एटीट्यूड कैसे था, इंडिया हैविंग एटीट्यूड ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ठीक है। अगर कुछ भी होता है तो इंडिया उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आप सुनामी का एग्जांपल लीजिए, जब सुनामी आया था तो मालदीव्स को फ्रेश वाटर अपन ने दिया था, इंडिया ने प्रोवाइड किया था। मालदीव्स के अंदर जो कू होने वाला था तो इंडिया ने अपनी मिलिट्री वहाँ पे भेज के कू को प्रिवेंट किया था। श्रीलंका के अंदर की बात लीजिए, वहाँ पे जब तमिल लोगों की बात आती है तो वी प्रेशराइज द श्रीलंका, ठीक है, वी हैव सेंड पीस कीपिंग फोर्सेस इन श्रीलंका। तो इसके इसकी वजह से ये बोला जाता है कि इंडिया इज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। लेकिन ये एटीट्यूड ना, ये बिग ब्रदर एटीट्यूड है, ठीक है। इसके वजह से जो छोटे छोटे कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज, वो उनको वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसकी वजह से द रिलेशंस आर गेटिंग वर्स्ट। तो इंडिया ने अब एटीट्यूड चेंज किया है, ठीक है। तो इंडिया ने बोला है कि वी आर नॉट नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वी आर प्रेफर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो आपके पास ऑप्शन है उसमें हम सबसे अच्छा ऑप्शन है, एंड वी आर कोऑपरेटिंग यू, वी आर नॉट इंटरफेयरिंग इन टू इंटरनल मैटर्स, वी आर सपोर्टिंग यू। जैसे कि आप COVID-19 की बात लेंगे अभी की, तो सबसे ज़्यादा वैक्सीन अपन ने भेजी नेबरिंग कंट्रीज को, ह्यूमैनिटेरियन एड दिया अपन ने। तो ये इससे समझ में आता है कि अपन ने अपना रोल चेंज किया गया, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू देम, ठीक है। तो इसको बनाया क्यों गया था, देखिए 2000 से ही चाइना को ये ख्वाहिश थी कि इस रीजन के अंदर उसका दबदबा बना रहे, क्योंकि उसको पता है अगर वॉर होता है इंडिया के साथ तो जो ओशियन है वो बहुत बड़ा एरिया है, 7000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है इंडिया का। अगर वहाँ पे आपको चाहिए मतलब वर्चस्व करना होगा ओशन के अंदर, तो यू हैव टू द नेबरिंग नेशंस विथ यू, ठीक है। तो उन्होंने बेस बनाने चालू किए, नेवल बेसिस बनाए उन्होंने, ग्वादर पाकिस्तान के अंदर बनाए, हम्बनतोटा श्रीलंका में बनाया, ठीक है। बांग्लादेश में चाइना ने अपना नेवल बेस बनाया, ठीक है, पोर्ट्स वगैरह लिए। तो इसकी वजह से ये बोला जाता है कि ये एक ऑफिशियल टर्म नहीं है, यू शुड नॉट यूज इट इन योर आंसर्स। तो ये इंडिया है समझिए, और इंडिया के जो आजू बाजू कंट्रीज है वहाँ पे उन्होंने ऐसे पोर्ट्स लेना चालू किए, एक पाकिस्तान पे लिया, फिर दूसरा श्रीलंका में लिया, फिर बांग्लादेश में लिया, फिर ऐसे ऐसे करके उन्होंने एक सर्कलिंग करना चालू किया, उसको बोले पर्ल ऑफ स्टिंग ऑफ पर्ल्स। तो ये करके उन्होंने इंडिया को चारों तरफ से घेरने की बातचीत की, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने भी वहाँ पे अपना काउंटर करने के लिए ऐसे छोटे छोटे ग्रुप स्विंग बनानी चालू की। तो इसकी वजह से बोला जाता है कि इंडिया ने इसको ये किया। और अगर आप चाइना क्या करता है, चाइना ना अपने साइंटिफिक वेसल्स भेजता है, साइंटिफिक वेसल्स के साथ वो सबमराइन भी भेजता है। तो इससे क्या किया जाता है कि ओशन ओशन रीजन है उसकी पूरी वो रेकी किया जाता है, जो सी बेड है उसका वो मैपिंग करता है। और जब अगर आपके पास पूरा जानकारी होगी सी बेड कैसा है, तो योर सबमरीन विल मूव इजीली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चाइना यहाँ पे करता है। और 2013 में आपको पता होगा चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया, इसके अंतर्गत वो लोन देता है नेबरिंग कंट्रीज को, और बहुत सारी कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को भी उन्होंने लोन दिया है इसके अंदर। और वो फिर उनको डेट ट्रैप में फंसा के फिर उनकी लैंड को वो लीज पे लेते हैं 10 ईयर्स पे, जैसे कि उन्होंने हम्बनतोटा पोर्ट लिया है श्रीलंका का, ठीक है। इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए ये ग्रुपिंग बनाई गई थी, ठीक है। और इस ग्रुप का जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है, इसके 5 पिलर्स है, ये आपको रटने पड़ेंगे एग्जाम में, आपको यही लिखना होगा। मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। फर्स्ट पिलर है मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, ट्रैफिकिंग, ट्रांसनेशनल क्राइम्स, साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ये 5 है, ये आपको रटने पड़ेंगे। इसके लिए इसको बनाया गया, इसके 5 पिलर्स है, ठीक है। तो अभी ये न्यूज में क्यों है, अभी ना रिसेंटली मीटिंग होने वाली थी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, इन कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिलने वाले थे, लेकिन मालदीव्स के सिक्योरिटी एडवाइजर यहाँ पे आए नहीं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्यों नहीं आए, आपको सबको पता होगा मालदीव्स के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, म्यूजियस इलेक्ट होके आए हैं और म्यूजियस एंटी इंडिया है। उन्होंने इलेक्शन लड़ते हुए कैंपेन में नारा दिया था कि इंडिया आउट, ठीक है, मतलब इंडिया से हमें नाता नहीं रखना है और इंडिया के पर्सन हमारे सॉइल के ऊपर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो
इसकी वजह से उन्होंने अभी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, अपना उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं भेजा उन्होंने यहाँ पे। और 2024 में भी इसकी मीटिंग होने वाली है, तभी भी मेरे को नहीं लगता वो भेजेंगे बोल के। ठीक है, 2021 से ही कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ने हैज इन्वेस्टिगेटेड टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम्स, सिक्योरिटी एंड मेरीटाइम पोल्यूशन एंड मेरीटाइम सॉरी सिक्योरिटी एंड मराइन पोल्यूशन, मेरीटाइम लॉ, कोस्टल सिक्योरिटी। ठीक है, इसी उन्होंने काम किया। 2022 में उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड किया फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑफ ओशियनोग्राफर्स एंड हाइड्रोग्राफर्स। हाइड्रोग्राफर्स कौन होते हैं? जो जो सी बेड है उसकी स्टडी करते हैं। ओशियनोग्राफर्स ओशन की स्टडी करते हैं, किसी वाटर बॉडी क्या है, फिजिकल फीचर्स उसके। ठीक है, एंड अनदर कॉन्फ्रेंस ऑन कोस्टल सिक्योरिटी। 2022 में उन्होंने इतने काम किए, याद रखिए। उसके बाद जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स उन्होंने एस्टेब्लिश किए ऑन टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ, ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। इसके लिए उन्होंने वर्किंग ग्रुप्स एस्टेब्लिश किए। अपार्ट फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिप्टी सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की भी मीटिंग की जाती है। कंट्रीज आर कोलैबोरेटिंग ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग इन सेक्टर सच एज पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इसके अंदर भी वो कोऑपरेट करते हैं। तो अभी दो कारण बताए गए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए नहीं मीटिंग को। फर्स्ट कारण तो यही बोला जा सकता है कि उनके क्लोज रिलेशन है चाइना के साथ। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन बोल सकते हैं। और दूसरा रीजन ये बोल सकते हैं, जो उन्होंने कैंप में लड़ा था वहीं पे उन्होंने नारा दिया था कि इंडिया शुड नॉट इंडिया आउट का उन्होंने नारा दिया था। तो इंडिया के पर्सनल्स यहाँ पे नहीं आएंगे और इंडिया के साथ कोई रिलेशंस नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को खुश करने के लिए ये किया होगा, ऐसा बोला जाता है। और जितने भी कंट्रीज हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में वो डेमोक्रेटिक है, तो उन्होंने थोड़ा सोच के काम लेना चाहिए, ये यहाँ पे लास्ट में ये बोला गया है। ठीक है, उसके बाद 140 यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुई पिछले 5 साल में, ये यहाँ पे बोला गया। इस पर भी एक आर्टिकल आएगा नीचे, उसको देखेंगे फिर एक्सटेंसिवली। उसके बाद इंडिया रिवाइज द क्रिमिनल लॉस प्रोसीड, इसको कल भी अपन ने थोड़ा देखा था, मतलब 4-5 दिन से न्यूज़ में आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़े बात की गई है। भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल, तो इसके अंदर क्या प्रोविजन है एग्जाम के हिसाब से जो काम का है वो देखेंगे। इसका जो सेक्शन 113 है उसमें ये डिफाइन किया गया है कि टेररिज्म को, तो जो डेफिनेशन ली गई है तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर की जो डेफिनेशन है उसी को उठा के उन्होंने कॉपी पेस्ट किया टेररिज्म की डेफिनेशन। तो वहां पे क्या डेफिनेशन है, विद इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया विद सोवरेनिटी ऑफ इंडिया और विद इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री, इसको बोलते हैं टेररिज्म। तो ये आपको याद रखना तो अच्छी बात है, क्योंकि मेंस में अगर आप लिखोगे टेररिज्म की डेफिनेशन तो इंडिया के हिसाब से टेररिज्म की डेफिनेशन ही है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 में सेक्शन 113 के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला गया। उसके बाद उन्होंने क्रुएल्टी की डेफिनेशन भी इस बार इन्होंने डिफाइन कर दी कि वॉट इज क्रुएल्टी। ठीक है, उसके हिसाब से भी आपको अगर कहीं क्रुएल्टी लिखनी होगी अगेंस्ट द वुमन तो उसको आप लिख सकते हो। तो उसमें ये बोला गया क्या करती है क्रुएल्टी डिफाइन, मतलब सेक्शन 86 का सब क्लॉज ये बोलता है, विलफुल कंडक्ट लाइकली टू ड्राइव वुमन टू कमिट सुसाइड और कॉज अ ग्रेव इंजुरी और डेंजर टू द लाइफ, लिम और हेल्थ, वेदर मेंटल और फिजिकल। ठीक है, क्रुएल्टी टुवर्ड्स वुमन के लिए डेफिनेशन दी गई है। और सेक्शन बी सब सेक्शन बी क्या बोलते हैं, हैरेसमेंट ऑफ वुमन टू कोर्स हर टू एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट अनलॉफुल डिमांड फॉर द प्रॉपर्टी एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब पैसे मांगना और फिर उसको लाइफ थे तो क्योंकि उसको सुसाइड को प्रोवोकेट करना, ये यहाँ पे बोला गया। उसके बाद उन्होंने द न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 73 स्टिपुलेट दैट दोज हु प्रिंट और पब्लिश एनी मैटर कंसर्निंग कोर्ट प्रोसीजर इन द रेप और सेक्सुअल असॉल्ट विदाउट परमिशन वुड बी पनिश विथ 2 ईयर जेल टर्म एंड अ फाइन। ठीक है, अगर कोर्ट खुद की एक प्रोसीडिंग में करता है तो इसको कुछ नहीं बोलेंगे, जजमेंट में आता है तो, लेकिन अगर कोई बंदा रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के विदाउट कोर्ट परमिशन उसको पब्लिश करता है तो उनको उन्होंने 2 ईयर की पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई मॉब लिंचिंग करता है तो उसको जितनी मर्डर में सजा दी जाती है उसी क्राइम के लेवल पे इसको लिया जाएगा और उसको भी उतनी सजा दी जाएगी, यहाँ पे बोला गया। उसके बाद पिटी ऑफेंस, पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। हुसेवर बींग मेंबर ऑफ अ ग्रुप और अ गैंग आइदर सिंगली और ज्वाइंटली कमिट एनी एक्ट ऑफ थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, अनऑथोराइज सेलिंग ऑफ टिकेट्स,
जो मूवीज के बाहर बेचते हैं, टॉकीज के बाहर। अनऑथोराइज बेटिंग एंड गैम्बलिंग, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर और एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट इज सेड टू बी कमिट पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स। ठीक है, तो उनको बोलेंगे पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम, मतलब छोटे छोटे क्राइम्स। तो ये यहाँ पे बोला गया और ये अपन ने देखा। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी भी ली जाएंगी इस बिल के हिसाब से, उसको रिवाइज किया गया है, ये भी यहाँ पे बोला है। और अगर कोई जज मतलब यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस अगर पनिशमेंट मिलती है तो उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया कम्युनिटी सर्विस क्या होती है। ठीक है, एंड एक्सपांड द पुलिस पावर टू हैंडकफ यूजेस एंड एक्सपांड द पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द इनिशिएटिंग 50 डेज ऑफ अरेस्ट। तो 15 दिन से जो इनिशियल अरेस्ट दिया जाता है उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है पुलिस कस्टडी को। और कम्युनिटी सर्विस को उन्होंने डिफाइन किया गया, कम्युनिटी सर्विस मतलब विदाउट एनी मॉनिटरी गेन यू हैव टू वर्क, क्योंकि किसी किसी इसमें जजमेंट में कोर्ट ही ऐसा ऑर्डर देता है कि आपको कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद जयशंकर जी रशिया के विजिट पे जाएंगे, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर और उनके काउंटर पार्ट से बात करेंगे वो, और वो December 15 to 28 तक वहाँ पे रहेंगे, तो वहाँ पे बातचीत वगैरह होंगी। उन्होंने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, द टाइम टेस्टेड इंडिया रशिया पार्टनरशिप रिमेन स्टेबल एंड रिजिलियंट एंड कंटिन्यू टू कैरेक्टराइज बाय द स्पिरिट ऑफ स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। ठीक है, ये ऐसे आप बातें अच्छी अच्छी मेंस में अंदर लिख सकते हो। WHO ने अर्ज किया नेशंस को टू रेज द सर्विलियंस अगेंस्ट द COVID-19। उन्होंने लोगों को बोला है आप इंडिविजुअल लेवल पे जागरूक हो, एंड उन्होंने ये बोला है WHO has classified the JN1 as a variant of interest following its rapid global spread। ठीक है, उनको क्लासिफाई किया उन्होंने नए वेरिएंट को JN1 को एज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट VOI। ठीक है, इतना याद रखिए। उसके बाद 140 मैंने आपको बताया 140 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुई पिछले 5 सालों में, उसके सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर एस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट, कैसे एस्टेब्लिश की जाती है, एक एक्ट से बनाई जाती है, पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न एंड नोटिफाइड इशूड बाय एंड अ नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। ठीक है, एक्ट पास करके स्टेट गवर्नमेंट पास करती है इसको। और UGC का क्या रोल होता है, द नेम ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन द लिस्ट इज इंक्लूडेड, यूनिवर्सिटी की लिस्ट में कैसे इंक्लूड किया जाता है बाय UGC एज पर द सेक्शन 2F ऑफ UGC एक्ट 1956 के हिसाब से उसको ऐड किया जाता है, इतना याद रखिए। और पिछले 2018 और 19 के अंदर 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिश की गई है, और पूरे 5 साल में 140 प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज बनाई गई। ठीक है, उसके बाद रशिया ने गलती से नहीं रशिया के मतलब मॉस्को से ये बातचीत आई कि जो 3 आइलैंड है जिसके ऊपर ईरान अपना कंट्रोल कहता है, उन्होंने बोल दिया कि UAE की है, तो इसको रिगार्डिंग जो ईरान ने जो रशिया के वहाँ पे NY उनको बुला के कंप्लेन नोंद की, वहाँ पे बोला कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया। देखो, 3 आइलैंड से कंट्रोल बाय तहरीन मतलब ईरान, बट क्लेम बाय UAE। ठीक है, ये UAE क्लेम करती है और अरब कंट्री ये चाहती है। The move came after the Iran's ally Russia signed a treaty with Arab countries which support a peaceful resolution for dispute over islands. ठीक है, उनको peaceful resolution चाहिए इस island का। अभी control कौन करता है याद रखिए, ईरान करता है, but claim कौन करता है, UAE करता है, United Arab Emirates. ठीक है, ये Israel bombards the northern Gaza as both sides suffer losses. तो ठीक है, ये न्यूज चल रही है। और पाकिस्तान के अंदर 2014 में फेब्रुआरी में इलेक्शंस हो गए, जनरल इलेक्शंस हो गए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट बदल सकती है, उसे रिगार्डिंग ये न्यूज है। अंदमान निकोबार के पास 185 रोहिंग्या की एक नाव मिली है और उनको रेस्क्यू करने के लिए UN ने बोला है आप उसको रेस्क्यू करो इंडियन ओशन के अंदर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको इसका PDF चाहिए होगा, तो आप टेलीग्राम में स्वैग UPSC ओनली चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।